बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैर आफियत से हैं? टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ सुकूक एंड सिक्योरिटाइजेशन, वाइटल इश्यूज़ इन इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स। आज इसके साथ हम लोग शिरका भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आपका लेक्चरर द सेम डॉक्टर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। एज़ यूजुअल आज के लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले थोड़ा सा पिछले लेक्चर की समरी डिस्कस किए लेते हैं, व्हाट वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट सिक्योरिटाइजेशन एंड सुकूक, इन विच वी डिस्कस्ड कैटेगरीज ऑफ सुकूक, और इन कैटेगरीज को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि कौन कौन सी मल्टीपल कैटेगरीज हैं और उनके लिए क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है टू मेक दैम एलिजिबल अंडर द शरिया कंप्लायंस। फिर हम लोगों ने ट्रेडेबिलिटी ऑफ सुकूक के बारे में बात की, और इसके साथ साथ वी डिस्कस्ड कि दुनिया में कितनी किस्म के सुकूक अब तक इशू हो चुके हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट इश्यूज इन टर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सुकूक। सुकूक के टर्म्स और स्ट्रक्चर, जो टर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ सुकूक है उसमें क्या क्या इशूज थे, वी डिस्कस दीज इशूज इन डिटेल। और फिर ऑफ कोर्स एट द एंड हम लोगों ने पिछले लेक्चर की समरी भी डिस्कस की थी। तो आज इंशाल्लाह विल डिस्कस सिक्योरिटाइजेशन एंड सुकूक, और इसके अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रह गया था दैट इज पोटेंशियल ऑफ सुकूक इन फंड मैनेजमेंट एंड डेवलपिंग द इस्लामिक कैपिटल मार्केट। फिर हम लोग समरी एंड कंक्लूजन डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो हम लोगों ने इसका चैप्टर डिस्कस किया था। देन आई विल ट्राई कि हम लोग स्टार्ट करें नया चैप्टर विच इज शिरका, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट इट्स लीगैलिटी, फॉर्म्स एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड बेसिक रूल्स ऑफ मुशारका। तो इफ यू गाइज आर रेडी तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। पोटेंशियल ऑफ सुकूक इन फंड मैनेजमेंट एंड डेवलपिंग द इस्लामिक कैपिटल मार्केट। सुकूक बाय प्रोडक्ट ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री हैव कन्फर्म्ड देयर वायबिलिटी इन मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर इफेक्टिव यूज ऑफ द बेनिफिट ऑफ बोथ इन्वेस्टर्स एंड द फंड यूजर्स। इन्होंने अपने आप को प्रूव किया है ये फंड यूजर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं दोनों के लिए फायदेमंद है। देयर ग्रोथ इज एट्रीब्यूटेबल टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग अमंग अदर्स देयर पोटेंशियल फॉर लिक्विडिटी एंड फंड मैनेजमेंट। इनकी जो ग्रोथ है वो कई फैक्टर्स की बेसिस पर एट्रीब्यूट करती है, जिसमें ऑफकोर्स इनके अपने अंदर ही कुछ हैं जो कि पोटेंशियल है लिक्विडिटी का और इनके फंड मैनेजमेंट का। दे कुड ऑल्सो बी यूज एज अ टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, इनको मॉनेटरी पॉलिसी के टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए भी। एज इज द केस इन सूडान, सेंट्रल बैंक्स कैन इशू सुकूक फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग लिक्विडिटी। प्रीवियसली इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैड टू रिलाय ऑन तवरुक एंड मुराबहा बेस्ड डीलिंग्स इन द इंटरनेशनल मेटल्स मार्केट एंड इक्विटी मार्केट्स फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म फंड एंड कैश मैनेजमेंट रेस्पेक्टिवली। इससे पहले जो इस्लामिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे वो रिलाय करते थे तवरुक और मुराबहा पर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म तीनों किस्म की फाइनेंसिंग के लिए। द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द मेटल्स मार्केट वॉज नॉट फुली एक्सेप्टेबल टू द शरिया स्कॉलर्स। ऑफकोर्स फुली एक्सेप्टेबल नहीं है, एज द मुराबहा कंडीशन वर नॉट अकम्प्लिश्ड इन लेटर एंड स्पिरिट। द एमरजेंस ऑफ सुकूक इन जनरल सिंस 2001 एंड इजारा सुकूक इन पर्टिकुलर and that of the market makers and servicers facilitates Islamic financial institutions in short-term fund placements in a Sharia-compliant manner. Due to a shortage in supply of such investments vis-a-vis their demand, sukuk were tightly held until the recent past, resulting in the absence of secondary market. So lately the position has eased and active trading has started. तो बाद में खैर इनकी एक्टिव ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो गई। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन पीसीएफसी सुकूक हैज बीन $10 million अ डे सिंस देयर लॉन्च। अपने लॉन्च के बाद ये $10 million थी एक पर डे। एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट डीलिंग इन नखील सुकूक जस्ट आफ्टर द इशू इन December 2006 ऑल्सो पॉइंट्स टू अ हेल्दी सिग्नल इन दिस रिगार्ड। अकॉर्डिंग टू समीर आब्दी ऑफ अर्नेस्ट एंड यंग, About 1/3 of investors in countries with a Muslim majority are seeking Sharia compliant products. इन साहब के मुताबिक 1/3 investors जो हैं Muslim countries के अंदर वो Sharia compliant products ढूंढ रहे होते हैं। Another 50-60% would use products conforming to Sharia tenets if they were commercially competitive.
बाकी 50-60% जो है वो भी शरिया कंप्लायंट ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कंपेटिटिव कमर्शियल्स में. एट द कंपनी लेवल अ लार्ज नंबर ऑफ बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस इन द वर्ल्ड वेयर शरिया कंप्लायंट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल पर्टिकुलरली इन द मिडल ईस्ट आर शिफ्टिंग टू पब्लिक व्हीकल्स ऑफरिंग शरिया कंप्लायंट सॉल्यूशंस टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. कंपनियां भी मिडल ईस्ट में और बाकियों में शरिया कंप्लायंट प्रोसीजर्स की तरफ मूव कर रही हैं. दिस कंफर्म्स द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ शरिया कंप्लायंट सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन अ सुकूक इशू ऑफ $800 million फ्रॉम अबू धाबी इन्वेस्टमेंट बैंक दैट क्लोज्ड ऑन December 4, 2006 नियरली 40% ऑफ द इन्वेस्टर्स केम फ्रॉम यूरोप. ये जो सुकूक अबू धाबी ने इशू किया $800 million का, इसके अंदर 40% के करीब जो इन्वेस्टर थे वो यूरोप से आए. इन द नखील सुकूक इशू ऑफ $3.52 billion ऑल्सो 40% ऑफ द इन्वेस्टर्स आर फ्रॉम यूरोप. A number of European and Japanese corporations are planning to explore the Sukuk market for raising long-term funds. Even ye markets bhi plan kar rahi hain. A huge amount of funds is needed for infrastructure projects in the Muslim world. And if managed properly and carefully without compromising on Sharia principles, this can not only be arranged through the vehicle of Sukuk, but also it could be a stepping stone for broad-based development of these economies. Toh agar Sharia compliant jo principles hain, शरिया कंप्लायंस के प्रिंसिपल्स को अगर अपने लेटर एंड स्पिरिट के अंदर फॉलो किया जाए तो शायद ये सुकूक कोई फाइनल चीज़ नहीं होगी. सुकूक की बेसिस के ऊपर हम लोग इसको अपना स्टेपिंग स्टोन बनाकर वी कैन बिल्ड ऑफ कोर्स आर ओन इकोनॉमिक सिस्टम्स. दीज रिक्वायर्स डेवलपिंग इस्लामिक कंट्रीज टू इंक्रीजिंगली यूज द व्हीकल ऑफ सुकूक फॉर फाइनेंसिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. द डेवलपमेंट ऑफ सुकूक डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक अ प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, Sharia compliance and convergence, the development of market professionals, investors, education and knowledge sharing. तो इसकी जो सुकूक की डेवलपमेंट है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जिसके अंदर प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, शरिया कंप्लायंस एंड कन्वर्जेंस है, शरिया कंप्लायंस भी हो और इसकी तरफ कन्वर्ज भी हो सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट प्रोफेशनल्स है, फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स एजुकेशन है एंड नॉलेज शेयरिंग. तो ऑफकोर्स इस सारे डिस्कशन के बाद वी कैन से कि मार्केट में सुकूक की ऑफकोर्स बहुत पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि आपकी ईस्ट और वेस्ट दोनों के अंदर जो मुस्लिम्स हैं दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लायंट, और इवन जो आपके ऐसे कंट्रीज हैं जो कि शरिया कंप्लायंट नहीं है दे आर ऑल्सो विलिंग टू स्टार्ट सुकूक सॉर्ट ऑफ फाइनेंसिंग मोड्स. तो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ सुकूक लेट्स नाउ समराइज एंड कंक्लूड वट एवर वी डिस्कस्ड इन होल ऑफ द चैप्टर. Sukuk provide a tremendous potential for growth in the global Islamic capital market that is critical for the sustained development of the Islamic finance industry. Their emergence has attracted a large number of investors across the world. Sukuk create a framework for participation of a large number of people in financing projects in the public and private sectors, including those of infrastructure such as roads, bridges, ports, airports, etc. A variety of target-specific sukuk can be issued on the basis of various modes, keeping in mind the relevant Sharia rules. The return on the sukuk depends on the income realized by the underlying assets or projects. Sukuk issue requires appropriate enabling laws to protect the interest of investors and issuers. Appropriate accounting standards, study of the targeted market, monitoring of standardized contracts, appropriate flow of financial data to investors, and provision of a standard quality service to customers at large. Islamic banks' credibility is a very fragile issue, especially in countries such as the GCC states and Pakistan. The role of Sharia scholars is crucial in this regard. Anything to do with the Sharia should be the exclusive domain of the Sharia scholars who are careful and responsible enough to find solutions to financial problems without compromising on the tenets of the Sharia. तो चूंकि सुकूक जो है ये एक शरिया कंप्लायंट फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग प्रोडक्ट है, तो शरिया स्कॉलर्स के बगैर तो इसको सोचा भी नहीं जा सकता. जो चीज़ भी शरीयत के डोमेन में आती है इसको शरिया स्कॉलर्स की डिस्कशन के बगैर ऑफ कोर्स शुड नॉट बी गो अहेड. The international institutions set up during the last decade to lend the Islamic finance industry a global acceptance, namely the Bahrain-based LMC, IIFM and IIRA, have to do a lot to make Islamic capital markets increasingly active and efficient. They have to lead the industry players to exploit the potential of shirka-based sukuk, as reliance on ijara sukuk alone, as has been witnessed over the last few years, may not be sufficient to realize the securitization potential of the industry as a whole. It may not be able to generate the sustainable support critically needed for realization of the market potential.
The creation of Islamic Universal Sukuk, structured by IIFM and SPV, fulfilling the Sharia essentials of Ijara, could serve as a basis to promote cooperation among Muslim countries and their financial markets. तो इफ आई समराइज होल ऑफ द सिचुएशन जो कि हम लोगों ने अभी इसको डिस्कस भी कर लिया तो ऑफ कोर्स शरिया बेस्ड सुकूक जो है इसका पोटेंशियल देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इसके अंदर जो इजारा बेस्ड सुकूक है या जो शिरका बेस्ड सुकूक्स हैं दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और अगर उनको शरिया बेस्ड जो है वो इशू किया जाए तो पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट इन देम तो यहां तक बात थी हमारी सुकूक रेलिवेंट आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज शिरका तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रो से ही इस्लामिक मोड्स आर एसेट बेस्ड एंड एंटेल रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी इस्लामिक मोड्स जो हैं ये एसेट बेस्ड हैं ऑफकोर्स कोई भी मोड इसके अंदर जो है वो एसेट की बेस पर डिसाइड किया जाता है और रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंटेल करते हैं एंड अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी द मोड्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस बिलोंग टू पार्टिसिपेटरी और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग और रिस्क शेयरिंग टेक्निक्स एंड एज सच आर कंसिडर्ड द मोस्ट डिजायरेबल मोड्स बाय द मेजोरिटी ऑफ ज्यूरिस्ट ऑन इस्लामिक फाइनेंस ये जो मोड्स हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बेसिस के ऊपर होते हैं और ये ज्यादा डिजायरेबल मोड्स भी हैं बाय द मेजोरिटी ऑफ ज्यूरिस्ट ऑन इस्लामिक फाइनेंस This does not imply that non-participatory modes, as discussed in the previous few chapters, do not involve in business risk. Taking risk and responsibility is rather a precondition for the legality of profit in any business. इसका मतलब ये नहीं है कि जो participatory नहीं होते वो risk के अंदर share नहीं करते. Of course, जब आप profit entail करने की बात करते हैं तो उसकी responsibility या उसके जो risk की responsibility है that is also supposed to be shared. तो शिरका बेस्ड पार्टिसिपेटरी मोड्स ऑफ बिजनेस हाउएवर इन्वॉल्व डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट एंड लॉसेस बाय द पार्टीज तो ये जो शिरका बेस्ड पार्टिसिपेटरी मोड्स हैं बिजनेसेस के ये इन्वॉल्व करते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों पार्टीज की टू कॉन्ट्रैक्ट्स नेमली मुदारबा एंड मुशारका दैट लेंड देमसेल्व्स टू द सिस्टम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ शिरका ये जो दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मुदारबा और मुशारका ये शिरका के कॉन्सेप्ट पर बेस करते हैं अ पार्टनरशिप मे बी इन द राइट ऑफ ओनरशिप शिरकातुल मिल्क वेयर एन अ प्रॉफिट मोटिव मे नॉट नेसेसरीली एग्जिस्ट एक पार्टनरशिप जो है जो कि राइट ऑफ ओनरशिप के लिए होती है शायद इसका मोटिव प्रॉफिट शेयरिंग ना हो ये भी एग्जिस्ट करती है और इट मे बी कॉन्ट्रेक्चुअल शिरकातुल अक्द इन विच द पार्टनर्स एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंडक्ट अ ज्वाइंट बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ये जो शिरकातुल अक्द है ये बाज़ुकात पार्टनर इसलिए भी मिलते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए उसमें से प्रॉफिट अर्न करने के लिए and agree to share the profit on a pre-agreed ratio and bear the loss or agree ho jate hain profit ko share karne ke liye jo bhi pre-agreed ratio hai aur loss ko bear karte hain if any to the extent of investment of each partner agar koi bhi hai jitna ek partner usko own karta hai another variant may be where an one partner may provide the capital and the other may manage the business mudarba for earning profit ye bhi variant ho sakta hai ki ek fund se aur dusra usko manage kare These modes are the means of providing risk-based capital and are jointly termed participatory modes of finance. ये modes जो हैं इनको risk-based capital provide किया जाता है और jointly इनको participatory modes of finance कहा जाता है. In this chapter, we shall discuss variants of shirka, namely musharaka, mudaraba, modern corporations and diminishing musharaka as modes of business by Islamic financial institutions. तो यहाँ पे हम लोग चार चीज़ें मेनली डिस्कस करेंगे मुशारका मुदारबा मॉडर्न कॉपरेशन और डिमिनिशिंग मुशारका पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेसेस वॉज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन द प्री इस्लामिक पीरियड जो पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेसेस हैं ये प्री इस्लामिक पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस थी इनकी दी होली प्रॉफिट हिमसेल्फ डिड बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप बिफोर हिज प्रॉफिटहुड एंड मेनी ऑफ हिज कंपेनियंस डिड इट ड्यूरिंग हिज लाइफ एंड लेटर हज़रत सल्लम ने खुद ऐलान नबूवत से पहले पार्टनरशिप के तौर पर बिजनेस किया और इनके कंपेनियंस जो हैं उन्होंने इनकी ज़िंदगी में भी और इसके बाद भी पार्टनरशिप्स के ऊपर बिजनेसेस किए इस्लाम अप्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है द प्रैक्टिस वॉज सो कॉमनली प्रिवेलेंट अमंग द अरब्स एंड अदर मुस्लिम्स दैट परहैप्स अंडर देयर इन्फ्लुएंस द क्रिश्चियंस ऑफ द एरियाज इन यूरोप वर Where Muslims went also conducted it far inside Europe.
तो ये जो प्रैक्टिस थी ये अरब्स के दरमियान बहुत ज़्यादा कॉमन थी, और ऑफ कोर्स इसने क्रिश्चियंस को भी इन्फ्लुएंस किया यूरोप में, क्योंकि वहाँ पर भी यूरोप में मुसलमान गए और उन्होंने इस चीज़ को फैलाया। इन द अर्ली कॉन्वेंशनल बुक्स ऑफ फिक ज्वाइंट बिजनेसेस आर डिस्कस्ड मेनली अंडर द कैप्शन ऑफ शिरका। तो फिक की जो किताबें हैं उनके अंदर जो शुरू के ज्वाइंट बिजनेसेस हैं वो शिरका के कैप्शन में आते हैं, विच इज़ अ सेट ऑफ ब्रॉड प्रिंसिपल्स दैट कैन अकोमोडेट मेनी फॉर्म्स ऑफ ज्वाइंट बिजनेसेस, जो कि एक सेट ऑफ ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं जो अकोमोडेट करते हैं कई फॉर्म्स ऑफ ज्वाइंट बिजनेसेस को। अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ द क्लासिकल ज्यूरिस्ट मुदारबा इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शिरका वेन यूज एज अ ब्रॉड टर्म। तो मेजॉरिटी ऑफ क्लासिकल ज्यूरिस्ट के तहत मुदारबा एक टाइप ऑफ शिरका है अपनी ब्रॉड टर्म्स के अंदर। इन फिक बुक्स डिस्कशन ऑन मुदारबा इज अवेलेबल बोथ इन द चैप्टर्स ऑन शिरका एंड अंडर द सेपरेट कैप्शन ऑफ मुदारबा। तो ये जो मुदारबा से रेलिवेंट डिस्कशन है फिक की किताबों के अंदर शिरका के अंदर भी मिलती है, शिरका की हेडिंग के भी, और सेपरेट मुदारबा की हेडिंग में भी मिलती है। मुशारका इज अ टर्म यूज बाय द कंटेम्प्रेरी ज्यूरिस्ट बोथ फॉर ब्रॉड एंड लिमिटेड कॉनोटेशंस। मुशारका एक टर्म है जो कि आपके दौर हाजिर के ज्यूरिस्ट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं दोनों ब्रॉड भी और लिमिटेड कॉनोटेशंस में भी। इन द लिमिटेड सेंस इट इज़ यूज फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप इन विच ऑल पार्टनर्स प्रोवाइड फंड्स। लिमिटेड सेंस के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर है वो प्रोवाइड करता है तमाम जिसको तमाम पार्टनर जो हैं फंड प्रोवाइड करते हैं, नॉट नेसेसरली इक्वली, ये भी ज़रूरी नहीं कि तमाम इक्वल करें, एंड हैव द राइट टू वर्क फॉर द ज्वाइंट वेंचर, और उसका राइट होता है ज्वाइंट वेंचर के लिए काम करने के लिए। इन द स्पेसिफिक सेंस इट इज़ एन एमलगम ऑफ मुशारका एंड मुदारबा वेर इन अ मुदारब इन एडिशन टू द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय द रब्बुल माल एम्प्लॉयज हिज ओन कैपिटल एज वेल। स्पेसिफिक सेंस के अंदर ये जो मुशारका और मुदारबा का एमलगम है जिसमें मुदारब एक होता है जिसमें इन एडिशन टू विच कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है रब्बुल माल के तौर पर, एम्प्लॉयज जिसके जो है वो ऑफ कोर्स उसका कैपिटल होते हैं। दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो परमिजेबल अकॉर्डिंग टू द ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट भी इसको अलाउ करते हैं। वाइल इन मुशारका ऑल पार्टीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द ज्वाइंट बिजनेस एंड वर्क फॉर इट। मुशारका के अंदर तमाम पार्टीज जो हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं और इसके लिए काम करती हैं। मुदारबा वन पार्टी कॉन्ट्रीब्यूट्स फंड्स एंड द अदर एक्ट्स एज एंटरप्रेन्योर एंड द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन अ प्री डिटरमिंड म्यूचुअली एग्रीड रेशो। जबकि मुदारबा के अंदर एक पार्टी फंड्स प्रोवाइड करती है और दूसरी एज एंटरप्रेन्योर काम करती है और प्रॉफिट को शेयर किया जाता है किसी भी प्री एग्रीड रेशो के ऊपर। इन मुदारबा द फाइनेंशियल बियर्स द लॉस वाइल द एंटरप्रेन्योर लूजेज हिज ऑलरेडी एक्सपेंडेड लेबर। मुदारबा में फाइनेंशियल जो कि पैसे पार्टी दे रही होती है वो लॉस बेयर करता है फाइनेंशियल, जबकि एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑलरेडी जो इसकी एक्सपेंडेड लेबर है उसको लूज करता है। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ शिरका एज डिस्कस इन द बुक्स ऑफ फिक फॉलोड बाय अ डिस्कशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। द मॉडर्न शिरका टेक्स द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इन अ सेंस दैट ऑफ पूल्स कार्टल्स ट्रस्ट एंड सिंडिकेट्स। ये जो मॉडर्न शिरका है ये पार्टनरशिप की फॉर्म में भी नजर आता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज की फॉर्म में नजर आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की फॉर्म में नजर आता है, और इन अ सेंस जो आपके पूल्स कार्टल्स ट्रस्ट और सिंडिकेट्स हैं वो भी शिरका ही के कॉन्सेप्ट में नजर आते हैं। इन मॉडर्न लॉ ऑल दीज फॉर्म्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन अकॉर्डेंस विद द डिफरेंसेज इन देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड द नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन। मॉडर्न लॉ में ये तमाम फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंटली ट्रीट होती हैं अपने डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स और नेचर की वजह से। एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इस्लामिक एंड द मॉडर्न पार्टनरशिप लॉज एग्जिस्ट इन द फॉर्मर्स रिलीजियस चैप्टर। टू डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ पार्टनरशिप वी शैल डिस्कस द सब्जेक्ट इन द थ्री मेन सेट्स ऑफ मुशारका मुदारबा एंड डिमिनिशिंग मुशारका, द लास्ट बींग द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस बेस्ड ऑन द ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ शिरका। तो पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करने के लिए हम तीनों मेन सेट्स ऑफ पार्टनरशिप जो इनको डिस्कस करेंगे जिसमें मुशारका मुदारबा और डिमिनिशिंग मुशारका है, जबकि डिमिनिशिंग मुशारका जो है ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है डेवलपमेंट से प्रोड्यूस होता है इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस की और ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया की पे ये बेस करता है। तो
ये तो थी बिल्कुल जनरल बातें जिसमें हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे डिफरेंट चीजों को. सो द नेक्स्ट इज लीगैलिटी फॉर्म्स एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. द लीगैलिटी ऑफ शिरका इज प्रूव बाय द टेक्स्ट ऑफ द होली कुरान एंड सुन्ना एंड द कंसेंसस ऑफ द इस्लामिक ज्यूरिस्ट. लीगैलिटी ऑफ शिरका जो है ये होली कुरान की टेक्स्ट से भी प्रूव होता है, सुन्ना से भी प्रूफ होता है और इस्लामिक ज्यूरिस्ट की कंसेंसस से भी प्रूफ होता है. इन पर्टिकुलर द टू फॉर्म्स ऑफ शिरका अल एनान जनरल पार्टनरशिप एंड मुदारबा विच विल डिस्कस इन द फॉलोइंग पेजेस एंजॉय एक्सेप्टेंस बाय ऑल ज्यूरिस्ट विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. ये जो खास तौर पर दो फॉर्म्स ऑफ शिरका हैं, शिरका अल एनान जिसे जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं और एक मुदारबा, ये दोनों तमाम ज्यूरिस्ट जो है उसको अप्रूव करते हैं. ज्यूरिस्ट नॉर्मली डिवाइड शिरका इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ शिरकतुल मिल्क पार्टनरशिप बाय ओनरशिप और इन राइट ऑफ ओनरशिप एंड शिरकतुल अक्त पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट. इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक शिरकतुल मिल्क है और एक शिरकतुल अक्त है. शिरकतुल मिल्क जो है ये पार्टनरशिप बाय ओनरशिप कंसिडर की जाती है और दूसरी पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर की जाती है. विद दीज टू फॉर्म्स ट्रेडिशनल शिरका इज द मेन सोर्स ऑफ रूल्स गवर्निंग द ऑपरेशंस ऑफ मुशारका. इन दो फॉर्म्स के साथ जो ट्रेडिशनल शिरका है ये मेन सोर्स है रूल्स का जो गवर्न करते हैं ऑपरेशंस ऑफ मुशारका को. मुदारबा एंड डिमिनिशिंग मुशारका बाय इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द प्रेजेंट एज. कीपिंग इन माइंड द डिस्कशन बाय क्लासिकल ज्यूरिस्ट एंड द मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट, शिरका कैन बी डिफाइंड एज अ बिजनेस वेयर टू और मोर पीपल कंबाइन देयर कैपिटल और लेबर और क्रेडिट वर्थीनेस टूगेदर, हैविंग सिमिलर राइट्स एंड लाइबिलिटीज टू शेयर द प्रॉफिट्स और अ यील्ड और एप्रिसिएशन इन वैल्यू एंड टू शेयर द लॉस इफ एनी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनेट ओनरशिप. तो अगर इन तमाम चीजों को जहन में रखा जाए तो क्लासिकल ज्यूरिस्ट और बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो शिरका को कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी बिजनेस जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर करें, अपना कैपिटल कंबाइन करके, लेबर कंबाइन करके या क्रेडिट वर्दीनेस कंबाइन करके, जिनके राइट्स और लाइबिलिटीज जो हैं वो एक जैसी हों और प्रॉफिट को शेयर करें किसी भी एक रेशो के अंदर और लॉस को भी शेयर करें और अपना प्रोपोर्शनेट ओनरशिप भी रखें, तो दैट इज नोन एज शिरका. दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल इज नॉट नेसेसरी इन सर्टन स्ट्रक्चर्स ऑफ शिरका. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ शिरका के लिए कैपिटल जो है वो मैंडेटरी नहीं है. प्रॉफिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस डेफिनेशन एंड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ कैन बी मेड थ्रू परचेज, सेल, हायर और वेजेस एंड एक्सक्लूड्स इनकम अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैरिज, डायवोर्स, सबसिस्टेंस पेबल टू वाइव्स एंड चिल्ड्रन और इन द केस ऑफ पेनल्टीज एंड फाइन्स. प्रॉफिट जो है इस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, जिसको बनाया जा सकता है परचेज, सेल, हायर या वेजेस की बेसिस के ऊपर, लेकिन एक्सक्लूड करता है इनकम जो कि अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज के थ्रू, डायवोर्स के थ्रू, सबसिस्टेंस पेबल टू वाइव्स एंड चिल्ड्रन के थ्रू या इन केस ऑफ पेनल्टीज एंड फाइन्स के थ्रू. वी डिफाइन वेरियस फॉर्म्स ऑफ शिरका इन द फॉलोइंग सेक्शन. तो थोड़ा सा जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ शिरका हैं उनको डिस्कस किया लेते हैं. वेरी फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप एंड ओनरशिप, जिसको हम लोग शिरकतुल मिल्क बोलते हैं. द बेसिक एलिमेंट ऑफ शिरकतुल मिल्क इज द मिक्सिंग ऑफ ओनरशिप ईदर मैंडेटोरली और बाय चॉइस. जो बेसिक एलिमेंट है शिरकतुल मिल्क का, ये मिक्सिंग ऑफ ओनरशिप है, ये मैंडेटोरली भी हो सकता है या फिर अपनी मर्जी से भी हो सकता है. टू और मोर पीपल आर ज्वाइंट ओनर्स ऑफ वन थिंग, दो या दो से ज्यादा लोग ज्वाइंट ओनर्स होते हैं किसी एक चीज के. इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज, वन इज ऑप्शनल एंड द अदर वन इज कंपल्सिव. इसको दो हिस्सों में मजीद तकसीम किया जाता है, एक ऑप्शनल हो सकती है और दूसरी कंपल्सिव हो सकती है. ऑप्शनल पार्टनरशिप बाय ओनरशिप इज एक्सप्लेन इन द वर्ड्स वेयर टू पर्सन मेक अ ज्वाइंट परचेज ऑफ वन स्पेसिफिक आर्टिकल और वेयर इट इज प्रेजेंटेड टू दैम एज अ गिफ्ट एंड दे एक्सेप्ट इट और वेयर इट इज लेफ्ट टू दैम ज्वाइंटली बाय बेक्वेस्ट एंड दे एक्सेप्ट ऑफ इट. जो ऑप्शनल पार्टनरशिप बाय ओनरशिप है इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जहां पर दो लोग मिलकर ज्वाइंट परचेज करते हैं एक स्पेसिफिक आर्टिकल की, या जहां पर यह प्रेजेंट किया जाता है उनको एज ए गिफ्ट और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं,
या जहां पर इट इज लेफ्ट टू देम, इन पे छोड़ दिया जाता है कि वो इसको एक्सेप्ट करें, तो दैट लाइज अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑप्शनल पार्टनरशिप. बेसिकली इट इज नॉट फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट शेयरिंग के लिए नहीं होती. द को-ओनर्स मे यूज द प्रॉपर्टी ज्वाइंटली और इंडिविजुअली, इंडिविजुअली भी ओन कर सकते हैं और ज्वाइंटली भी. कंपल्सिव पार्टनरशिप इज वेयर द कैपिटल और गुड्स ऑफ टू पीपल बिकम यूनाइटेड विदाउट देयर एक्ट एंड इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम और वेयर टू पीपल इनहेरिट वन प्रॉपर्टी. जो कंपल्सिव पार्टनरशिप है इसके अंदर कैपिटल या गुड्स जो हैं वो दो लोगों की मिला दी जाती हैं उनके एक्ट के बगैर, और ये मुश्किल हो जाता है और इम्पॉसिबल हो जाता है उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करना. और जो दो लोग हैं ये ऑफकोर्स प्रॉपर्टी को इनहेरिट भी कर सकते हैं. इन अदर फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप अ पार्टनर इज ट्रीटेड एज एन एजेंट टू द अदर पार्टनर्स शेयर. दूसरी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर को एजेंट कंसिडर किया जाता है दूसरे पार्टनर शेयर का. बट इन पार्टनरशिप बाय ओनरशिप पार्टनर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ ईच अदर. लेकिन पार्टनरशिप बाय ओनरशिप के अंदर पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते. हियर अ पार्टनर इज अ स्ट्रेंजर एंड इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टनर ही हैज नो राइट टू यूज द एब्सेंट पार्टनर्स प्रॉपर्टी. यहां पे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर होते हैं और दूसरे की एब्सेंस के अंदर एक पार्टनर उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकता. ही हैज नो राइट टू यूज द एब्सेंट पार्टनर्स प्रॉपर्टी नॉर कैन ही रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द लेटेस्ट शेयर. फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी ऑफकोर्स नहीं होता. ही कैन नॉट यूज इवन हिज ओन शेयर इफ इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टनर शेयर. वो अपना शेयर भी इवन इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर वो डेट्रीमेंटल है दूसरे पार्टनर के इंटरेस्ट का. इट इज हाउएवर लॉफुल फॉर वन पार्टनर टू सेल हिज ओन शेयर टू द अदर पार्टनर एंड ही मे ऑल्सो सेल हिज शेयर टू द अदर्स. लेकिन ये लॉफुल है कि एक पार्टनर अपना शेयर जो है वो दूसरे पार्टनर को बेच सकता है या अपना शेयर जो है विदाउट हिज पार्टनर्स कॉन्सेंट, उसके पार्टनर के कॉन्सेंट के बगैर किसी और को बेच सकता है. एक्सेप्ट ओनली इन केसेज ऑफ एसोसिएशन और अ मिक्सचर ऑफ प्रॉपर्टी. फॉर इन बोथ दीज इंस्टेंसेज वन पार्टनर कैन नॉट लॉफुली सेल द शेयर ऑफ द अदर टू अ थर्ड पर्सन विदाउट हिज पार्टनर्स परमिशन. बाज़ात कुछ मिक्स पार्टनरशिप होती है या एसोसिएशन होती है जहां पर आप थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर की परमिशन के बगैर. इफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी इज यूज बाय वन पार्टनर द ओनर मे डिमांड रेंटल फॉर हिज पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी जो है वो एक पार्टनर इस्तेमाल कर रहा है तो जो उसका ओनर है वो रेंटल डिमांड कर सकता है उस प्रॉपर्टी का फ्रॉम द बेनिफिटिंग पार्टनर जो उसे इस्तेमाल कर रहा है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ शिरकतुल मिल्क इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू द प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप. तो ये जो इसकी शिरकतुल मिल्क की रेवेन्यू है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड कर रहा होता है प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप के ऊपर. सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रैक्ट, शिरकतुल अक्त. दिस इज द मेन फॉर्म ऑफ शिरका. ये मेन फॉर्म ऑफ शिरका है विच इज क्रिएटेड बाय ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड इज एप्लीकेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ मॉडर्न बिजनेस वेयर टू और मोर पर्सन आर इन्वॉल्व. ये क्रिएट होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस के तहत और ये एप्लीकेबल है मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ मॉडर्न बिजनेस के अंदर जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इसको शुरू करते हैं. द WHO IFI स्टैंडर्ड हैज डिफाइंड इट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू कंबाइन देयर एसेट्स. WHO IFI स्टैंडर्ड इसको डिफाइन करता है एक एग्रीमेंट के तौर पर जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में अपने एसेट्स को कंबाइन करते हैं. लेबर और लाइबिलिटीज फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. लेबर को या लाइबिलिटीज को प्रॉफिट मेकिंग के लिए. इट इज क्रिएटेड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट होती है. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज इट्स बेसिक एलिमेंट. ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है इसका बेसिक एलिमेंट है. पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर एंड वन पार्टनर कैन नॉट सेल हिज शेयर विदाउट द अदर पार्टनर्स कॉन्सेंट एंड कैन नॉट गारंटी कैपिटल और एनी प्रॉफिट ऑफ द अदर पार्टनर. यहां पर एक पार्टनर दूसरे का एजेंट होता है और एक पार्टनर अपना शेयर बेच नहीं सकता दूसरे के परमिशन के बगैर और गारंटी भी नहीं कर सकता कैपिटल की और प्रॉफिट की दूसरे पार्टनर को. दिस फॉर्म कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू शिरकतुल तुल अमवाल वेयर ऑल द पार्टनर्स इन्वेस्ट सम कैपिटल इनटू अ कमर्शियल एंटरप्राइज दैट कम्स अंडर द कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द पार्टनर्स एज पर द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. इसके अंदर पहला है शिरकतुल अमवाल जिसके अंदर तमाम पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल को कमर्शियल एंटरप्राइज के तौर पर और उसके कलेक्टिव ओनर्स बन जाते हैं एज पर द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट जितना जितना इन्वेस्ट करते हैं. दूसरा है शिरकतुल अमल विद द पार्टनर ज्वाइंटली अंडरटेक टू रेंडर सम सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स एंड शेयर द फी चार्ज बाय देम अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशियो एंड ईच पार्टनर ब्रिंग्स हिज ओन रिसोर्सेज इफ नीडेड फॉर द बिजनेस एंड
तो दूसरा है शिरकतुल अमल, जहां पर पार्टनर्स एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मिलके करते हैं किसी को सर्विसेज देने के लिए, और जो उनसे फीस चार्ज होती है वो अपनी एग्रीड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हर पार्टनर जो है वो अपने रिसोर्सेज लाता है इस पर्पज के लिए। तीसरा है शिरकतुल वजू, मीनिंग पार्टनरशिप इन द क्रेडिट वर्थिनेस, वेयर ऑल पार्टनर्स अवेल क्रेडिट फ्रॉम द मार्केट यूजिंग देयर क्रेडिबिलिटी एंड सेल द कमोडिटी टू शेयर द प्रॉफिट सो अर्नड एट एन एग्रीड रेशो। तो द थर्ड टाइप इज शिरकतुल वजू, जिसके अंदर पार्टनर्स जो हैं अपनी क्रेडिट वर्थिनेस की बेसिस के ऊपर पार्टनर्स बनते हैं, और हर पार्टनर अपनी क्रेडिट वर्थिनेस अवेल करता है मार्केट के अंदर और कमोडिटी सेल करता है, और उसका प्रॉफिट जो है वो एग्रीड रेशियो के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन शिरका द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी सिमिलर। शिरका के अंदर राइट्स और लाइबिलिटीज तमाम पार्टनर्स की एक जैसी होनी चाहिए, ऑल दो नॉट नेसेसरली इक्वल, बराबर होना जरूरी नहीं है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ शिरका इज दैट अ मैन हु शेयर्स इन प्रॉफिट्स मस्ट ऑल्सो बेयर द रिस्क। जो बेसिक प्रिंसिपल है शिरका का वो ये है कि आदमी जो प्रॉफिट शेयर करता है उसको रिस्क भी बेयर करना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉफिट सेइंग दैट अर्निंग्स आर कनकॉमिटेंट टू रिस्क। ये प्रिंसिपल बेस करता है हजूर सल्लम की सेइंग के ऊपर कि अर्निंग्स जो हैं वो रिस्क के साथ एसोसिएटेड है। कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप शिरकतुल अक्द इज सब डिवाइडेड इंटू सेवरल काइंड डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप। कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप जो है जिसे शिरकतुल अक्द कहते हैं, ये सब डिवाइडेड है कई काइंड्स के अंदर जो कि डिपेंड करती हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। कैपिटल और गुड्स, लेबर और पर्सनल क्रेडिट वर्थिनेस एज डिस्कस ब्रीफली इन बिलो। शिरकाल मुफवदा और यूनिवर्सल पार्टनरशिप, अकॉर्डिंग टू द हनफी ज्यूरिस्ट शिरका अल मुफवदा इज वेयर टू पर्संस बीइंग द इक्वल ऑफ ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्रिविलेजेस एंड रिलीजियस परसुएशन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। शिरका अल मुफवदा जो है ये एक टाइप है जिसके अंदर दो लोग बीइंग द इक्वल ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के बराबर हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्रिविलेजेस और रिलीजियस परसुएशन के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। दिस फॉर्म इज वेरी कुंबरसम टू ऑपरेट बिकॉज इट रेफर्स टू शेयरिंग एवरीथिंग ऑन एन इक्वल बेसिस। ये फॉर्म जो है ये बड़ी कुंबरसम है ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि रेफर करती है शेयरिंग एवरीथिंग इक्वल बेसिस के ऊपर, देयर फोर इट इज फैक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। इसलिए फैक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है, इट इज इन फैक्ट एडवोकेटेड बाय हनफी ज्यूरिस्ट ओनली। इसको सिर्फ हनफी ज्यूरिस्ट ही एडवोकेट करते हैं। इमाम शाफी, इमाम अहमद इबन हम्बल, इमाम मालिक एंड द जाफरी ज्यूरिस्ट डू नॉट सपोर्ट दिस फॉर्म। असल में हनफी ज्यूरिस्ट सिर्फ इसको सपोर्ट करते हैं, इमाम शाफी, इमाम अहमद इबन हम्बल या इमाम मालिक और जाफरी ज्यूरिस्ट जो हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते। शिरका अल एनान और जनरल पार्टनरशिप, शिरका अल एनान इन्वॉल्विंग कलेक्टिव कैपिटल फॉर द पार्टनर्स इज वेयर एनी टू पर्संस बिकम पार्टनर्स इन एनी पर्टिकुलर बिजनेस और वेयर दे बिकम पार्टनर्स इन ऑल मैटर्स ऑफ कॉमर्स इंडिफरेंटली। शिरका अल एनान एक कलेक्टिव कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स के ऊपर बात करती है, जहां पर दो लोग पार्टनर्स बन जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के, और जहां ये दो पार्टनर्स बन जाते हैं तमाम मैटर्स ऑफ कॉमर्स इंडिफरेंटली। इट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाई ईच पार्टी, हर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिस्पेक्टिवली बिकमिंग द एजेंट ऑफ द अदर एंड नॉट हिज श्योरिटी। एक दूसरे का एजेंट बन जाता है, उसकी श्योरिटी नहीं बनता। दिस फॉर्म एंजॉयज कंसेंसस अमंग ऑल इस्लामिक ज्यूरिस्ट। ये फॉर्म जो है ये कंसेंसस एंजॉय करती है तमाम इस्लामिक ज्यूरिस्ट के अंदर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एंड सीम्स टू बी नियरर टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अ बिजनेस पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और नई जो एक बिजनेस पार्टनरशिप है उसके बहुत करीब नजर आती है। वी शैल बी डिस्कसिंग इन डिटेल मेनली द रूल्स ऑफ दिस जनरल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनरशिप। इसको आगे हम लोग कहीं पर डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। शिरकतुल अमल, शिरकतुल अमल और सनाए पार्टनरशिप इन लेबर और क्राफ्ट सिग्निफाइज अ सिचुएशन वेयर टू पर्सन बिकम पार्टनर्स बाय एग्रींग टू वर्क ज्वाइंटली एंड टू शेयर देयर अर्निंग्स इन पार्टनरशिप। यहां पर दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में मिल जाते हैं सर्विसेज इकट्ठी देने के लिए और अर्निंग्स जो है वो शेयर करने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज शिरका शिरका तकबुल और शिरका अल अबदान। सम क्लासिकल एग्जाम्पल्स ऑफ सच अ पार्टनरशिप आर द पार्टनरशिप्स बिटवीन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स,
teachers, miners, transport owners, and farmers, or even even the trainers. The next is Shirkatul Wuju, or partnership in creditworthiness. Shirkatul Wuju is where two persons become partners by agreeing to purchase goods jointly. Shirkatul Wuju jo hai, yahan par do log partners ban jate hain by agreeing to purchase goods jointly upon their personal credit, apne personal credit ke upar, chunki apni creditworthiness use karte hain, without immediately paying the price, and to sell these goods on their joint account. Aur cheezein joint account par bechne ke liye. Partners undertake to fulfill their obligations according to the percentages determined by the parties. Partners undertake karte hain apni obligations ko fulfill karne ke liye, jitna unka jo percentage hai wo determine hoti hai parties ki taraf se. They also agree on the ratio of liability for which each partner is responsible while paying such debt. According to Imam Shafi, it is unlawful. Imam Shafi ke mutabik ye lawful nahi hai. The Maliki jurists observe that such a form of partnership has an element of random chance and is therefore invalid. Maliki jurists ke observation ke tahat partnership, chunke is partnership ke andar random chances available hain, isliye invalid hai. They have however permitted it on the condition that the element of obligation is made clear before the contract is effected. For example, joint credit purchase of a specific commodity and sale at a profit. Agar clear ho jaye, to that is allowed. Hanafi and Hanbali jurists, however, agree upon the validity of such a form of partnership. Ye agree karte hain iske upar. Loss in this form of shirka will have to be borne as per the liability taken at the beginning. Loss jo hai, is form of shirka ke andar, ye borne hoga as per the liability, jo ki shuru hi mein ascertain ho jayegi. In such a contract, if such a contract is enforced without first stipulating the extent of liability of each partner. Agar ye contract enforce ho jata hai, agar pehle se har partner ki liability clear kiye bagair, they'll be responsible for credit taken by each of them individually. To ye of course sirf khud hi responsible honge jo credit lenge. And the working partner will be entitled to wages for his work. Aur jo working partner hai wo wages lega, and not to a share in the profits. Wo profits ko share nahi karega, sirf wages ke andar uska right hoga. तो ये तो थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिरका. द नेक्स्ट इज मुदारबा. मुदारबा और पार्टनरशिप इन द प्रॉफिट्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर सिग्निफाइज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप इन विच वन पार्टी इज एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स माल वाइल द अदर पार्टी इज एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट ऑन अकाउंट ऑफ इट्स लेबर. मुदारबा एक ऐसी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है जहां पर एक पार्टी अपने माल की बेसिस पर रिटर्न ले रही होती है, दूसरी अपनी सर्विसेज की बेसिस पर. Of the above mentioned kinds, Shirka al-Inan and Mudarba are the most popular kinds of partnership. Jo upar humne baat ki, Shirka al-Inan aur Mudarba jo hain, ye zyada popular kinds of partnership hain, and enjoy ijma of the jurists. Aur is pe jurists agree bhi karte hain. Shafi, Jafri and Zahirithis like Ibn Hazm treat only these two forms of Shirka as lawful modes of joint venture. For the Shafi and Jafri schools, Shirka is a contract between two or more persons made with a view to making all profits common between the two. Shafi or Jafri schools of thought ke mutabik, Shirka ek contract hai jahan par do ya do se zyada log aapas mein milte hain profits ko share karne ke liye aapas mein, among all the partners ya sabke beech mein. The object of a contract preferably being trade. Hanafi and Maliki jurists believe in a broader circle of joint business practices. Hanafi aur Maliki jurists jo hain wo believe karte hain broader circle ke upar joint business practices mein. Shirka al-Inan is suitable for joint businesses. Shirka al-Inan jo hai ye suitable hai joint businesses ke liye, adaptable to any situation and practicable in the present day's advanced commercial practices. It refers to a joint enterprise formed for conducting any business with the condition that all partners shall share the profit according to a specified ratio, while the loss will be shared according to the ratio of contribution to the capital of the joint business. Two or more partners that are considered agents, wakil of other partners, share the business on the basis of the following conditions. Ye business ko share karte hain in conditions ko fulfill karne ke baad. Very first one is, कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इन एनी प्रोपोर्शन. किसी भी प्रोपोर्शन में कैपिटल इन्वेस्ट किया जा सकता है.
power of appropriation in the property and participation in the affairs of shirka may be different and disproportionate to the capital invested by the partners. ये जो power of appropriation है property के अंदर या affairs के अंदर rights जो हैं वो capital proportionate से different भी हो सकते हैं. Profit may be divisible unequally and disproportionate to the capital invested. Profit जो है वो of course unequally भी distribute हो सकता है और उनका जो capital investment है उसकी ratio से different भी हो सकता है. And may be according to the agreement of the partners. Partners के दरमियान agreement के तहत भी हो सकता है. Loss is to be shared in the proportion to capital invested. Loss जो है जितना capital invest किया उसी की ratio के अंदर share होता है. Each partner is an agent to the other partner. हर partner दूसरे partner का agent है. No partner is responsible for indemnification of the acts of commission and omission on the part of the other partner. कोई partner भी जो है अगर किसी एक partner से loss हो जाता है तो वो उसका responsible नहीं है. There are a number of views regarding the last mentioned condition above regarding rights and liabilities of partners. Jurists contend that partners are allowed to sell partnership capital asset performing trading businesses with it. Give it as deposit or collateral with others and hand it over to any person for business on a mudarba basis. Further, jurists consider that the partners can perform all other acts that are according to the custom or common practice, subject to compliance with the main Sharia principles. If any partner takes a loan for the joint businesses, all partners will be jointly liable to pay. A musharaka and also mudarba contract may be for any specific project up to its completion or in the form of a redeemable investment by a partner, particularly the financial institutions, also known as diminishing musharaka. If the musharaka lasts as long as a business operates without any midway termination, it is considered a continuous musharaka. The above discussion implies that shirka in Islamic law refers to all forms of partnership, also including mudarba. तो जो अभी तक डिस्कशन हुई ये रेफर करती है कि शिरका जो है इस्लामिक लॉ के अंदर रेफर करती है तमाम फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप को जिसमें मुदारबा भी शामिल है. सम ऑफ द जूरिस ऑब्जर्व दैट मुदारबा इज अ फॉर्म ऑफ शिरका व्हाइल सम अदर्स ट्रीट दिस एज अ डिफरेंट फॉर्म शिरका. कुछ जूरिस जो है वो मुदारबा को शिरका की फॉर्म कंसिडर करते हैं लेकिन कुछ इसको इससे डिफरेंट कंसिडर करते हैं. इट सीम्स दैट द डिफरेंस इज ड्यू टू वेरिएशन इन एनालिसिस ऑफ बिजनेस कंडीशंस मोर देन द डिफरेंसेस इन शिरका प्रिंसिपल्स. ये लगता है कि जो इख्तलाफ है ये वेरिएशन इन एनालिसिस ऑफ बिजनेस की बेसिस पर है, बिजनेस कंडीशंस की बेसिस पर, जबकि मोर देन द डिफरेंसेस इन शिरका प्रिंसिपल्स, शिरका प्रिंसिपल से ज्यादा इनके बिजनेसेस की बेसिस के ऊपर डिफरेंस ज्यादा है. द फॉर्मर व्यू इज हेल्ड बाय सम ऑफ द जूरिस्ट्स ऑफ द मालिकी एंड हम्बली स्कूल्स व्हाइल द लेटर बाय द हनफी स्कूल. द हनफी जूरिस्ट्स आर्ग्यू दैट मुदारबा शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ शिरका बिकॉज इन शिरका the contracting parties become partners and therefore liable to losses soon after the business is started or the capital of the partner is combined. Hanafi school ke mutabik mudarba ko shirka ka hissa nahi hona chahiye kyunki jaise hi parties ek dusre se combine hoti hain as a partners to wo losses ko share karne ki bhi liable hoti hain. To jabki mudarba mein the working party does not become a partner and is not liable to any losses unless and until profits arise. जबकि मुदारबा के अंदर जो वर्किंग पार्टीज हैं वो पार्टनर नहीं बनती और ये लायबल नहीं होती किसी भी लॉसेस के अनलेस या प्रॉफिट अराइज नहीं होता. बिफोर द क्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स द पोजीशन ऑफ द वर्किंग पार्टी इज दैट ऑफ एन एजेंट. प्रॉफिट अराइज होने से पहले वर्किंग पार्टी का जो पोजीशन है दैट इज लाइक एन एजेंट. ऑल दो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुदारबा बिकम्स इफेक्टिव, इवन मुदारबा का कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव हो भी जाए तो. तो ये तो थे बेसिक रूल्स जो कि शिरका से रेलेवेंट थे. तो आगे बात शुरू करते हैं अबाउट बेसिक रूल्स ऑफ मुशारका. इन दिस सेक्शन वी शैल बी डिस्कसिंग द रूल्स रिलेटिंग मेनली टू अ जनरल पार्टनरशिप कंडक्टेड विद जॉइंट कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शिरकातुल अमवाल कम शिरका लेनान. ऑल कंडीशंस नेसेसरी फॉर एनी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज दैट मस्ट बी विदाउट डिसेप्शन मिसरिप्रेजेंटेशन एंड ड्यूरेस एटसेट्रा शुड बी फुलफिल्ड इन द शिरका कॉन्ट्रैक्ट. सर्टन अदर कंडीशन मस्ट ऑल्सो बी फुलफिल्ड एंड दीज आर आउटलाइंड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स. तो यहाँ पे हम बेसिक रूल्स डिस्कस करने जा रहे हैं मुशारका से रेलिवेंट. द वेरी फर्स्ट वन इज कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू द पार्टनर्स. द वर्ड पर्सन एज यूज इन द डेफिनेशन रेफर टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड लीगल पर्सन और कॉपोरेट बॉडीज. यहाँ पे जब पर्सन की बात आएगी तो वो इस डेफिनेशन में शामिल होता है इंडिविजुअल की भी, लीगल पर्सन की भी और कॉर्पोरेट बॉडी की भी.
As regards individuals, it is unanimously agreed that they should be free and of sound mind. जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ये यूनैनिमसली एग्रीमेंट है इसके ऊपर कि ये साउंड माइंड वाला बंदा होना चाहिए. द स्टडी ऑफ रेलिवेंट रूल्स इन फिक सजेस्ट दैट इनसॉल्वेंसी एंड प्रिजन आर डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. जहां तक फिक के रूल्स की बात है तो ये सजेस्ट करते हैं कि इनसॉल्वेंसी या जो प्रिजन है ये डिसक्वालिफिकेशंस हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए. एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप कॉम्प्रीहेंड्स म्यूचुअल एजेंसी, anybody who is handicapped in exercise of this right cannot act as a partner in the true sense and a contract so made should be deemed to be ineffective. On this ground, minors and insane are incompetent to become partners. तो इस बेसिस के ऊपर जो आपके बलूगत में नहीं आते लोग या फिर होशमंद नहीं होते वो पार्टनर्स नहीं बन सकते. A minor can enter into a partnership if allowed by his guardian. माइनर इसमें शामिल हो सकता है अगर उसका गार्डियन उसको अलाउ करे तो. मुशारका कैन बी कंक्लूडेड विद नॉन मुस्लिम्स एंड ऑल्सो इंट्रास्ट बेस्ड बैंक्स टू कैरी आउट ऑपरेशंस एक्सेप्टेबल इन द शरिया. मुशारका कंक्लूड हो सकता है नॉन मुस्लिम्स के साथ भी और इंट्रास्ट बेस्ड बैंक्स के अंदर भी ऑपरेशंस करने के लिए जो कि शरिया जिसकी इजाजत देती है. इन दिस रिस्पेक्ट अरेंजमेंट हैज टू बी मेड टू ऑब्टेन ऑल नेसेसरी एश्योरेंसेस. इस केस में अरेंजमेंट्स करनी चाहिए ताकि तमाम जरूरी अश्योरेंसेज ले ली जाएं एंड गारंटीज दैट द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया विल बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द पार्टनरशिप. ताकि गारंटीज भी ले ली जाएं ताकि रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ शरिया जो हैं वो ऑब्जर्व किए जा सकें. इट एक्सक्लूड्स ऑल दोज बिजनेसेस विच आर नॉट लॉफुल इन इस्लाम. ये तमाम उन बिजनेसेस को एक्सक्लूड करता है जो लॉफुल नहीं है इस्लाम के अंदर. दैट इज trade in swine flesh or liquor etc and unlawful activities like pornography and gambling. Second one is rules relating to musharaka capital. According to the majority of jurists, capital invested by a partner should be in the form of liquid assets. Majority of jurists ke तहत capital jo ki invest kiya jata hai partner ki taraf se wo liquid asset ki form mein hona chahiye. That is money or prevalent currency units and its value should be known without any ambiguity. ये या तो पैसे की फॉर्म में हो या prevalent currency units की फॉर्म में हो और इसकी वैल्यू जो है वो किसी ambiguity के बगैर होनी चाहिए. Particularly according to Maliki, Hanbali and Shafi jurists, खास तौर पर इस चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं Maliki, Hanbali और Shafi jurists. Hanafis however consider that knowing the amount of capital at the time of contract is not necessary. हनफीज कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है इसको एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जानना इतना जरूरी नहीं है. इट कैन बी एग्रीड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. इसको बिजनेस शुरू करने से पहले भी देखा जा सकता है. इट शुड नॉट बी अ डेट और अ नॉन एग्जिस्टेंट कमोडिटी. इसको डेट नहीं होना चाहिए और नॉन एग्जिस्टेंट कमोडिटी भी नहीं होना चाहिए. इन द केस ऑफ लिमिटेड कंपनीज कैपिटल इज गिवन द फॉर्म ऑफ इक्वल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स. जहां पर लिमिटेड कंपनीज की बात आती है तो यहां पर कैपिटल जो है वो इक्वल यूनिट्स जिन्हें हम शेयर्स बोलते हैं उसकी फॉर्म में होता है. एंड द इंटेंडेड पार्टनर्स कैन बाय एज मैनी ऑफ दीज शेयर्स एज पॉसिबल डिसप्रोपोर्शनेटली. और जो लोग इसमें पार्टनर्स बनना चाहते हैं वो जितने शेयर्स खरीदना चाहें वो शेयर्स खरीद सकते हैं जो कि एज पॉसिबल डिसप्रोपोर्शनेटली. कोई जरूरी नहीं है उसमें. थर्ड इज म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स एंड मुशारका मैनेजमेंट रूल्स. पार्टनर्स के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप और जो मुशारका की मैनेजमेंट है उसके रूल्स क्या हैं. शिरका बिजनेस इज मैनेज्ड बाय द विल एंड इक्वल राइट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. शिरका बिजनेस मैनेज होता है विल से और इक्वल राइट से तमाम पार्टनर्स के. एज इंडिकेटेड अर्लियर पार्टनर्स टू अ कॉन्ट्रेक्चुअल मुशारका आर एजेंट्स ऑफ वन अनदर. जैसे पहले से बताया गया कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल मुशारका है उसमें पार्टनर्स जो हैं वो एजेंट्स होते हैं एक दूसरे के. व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मुशारका इज एग्जीक्यूटेड, जब ये एग्जीक्यूट होता है द कंडीशंस ऑफ एजेंसी आर ऑटोमेटिकली प्रिज्यूम्ड टू बी इन एग्जिस्टेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट. जब एग्जीक्यूट होता है तो एजेंसी की जो है वो कंडीशंस खुद ब खुद इसमें अज्यूम हो जाती हैं. द एक्चुअल पोजिशन ऑफ वन पार्टनर ओवर प्रॉपर्टी ऑफ द मुशारका बिजनेस इज इन द कंस्ट्रक्टिव पोजिशन ऑफ द अदर पार्टनर्स. ये जो एक्चुअल पोजीशन है एक बंदे की या एक पार्टनर की प्रॉपर्टी के ऊपर मुशारका बिजनेस में वो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन होती है दूसरे पार्टनर की.
However, if a partner purchases something for himself only, अगर कोई पार्टनर सिर्फ अपने लिए कोई चीज खरीदता है, it is exclusively for him and not for the joint business. तो वो of course, वो जो एक separate entity concept है, कि वो फिर सिर्फ उसके लिए है, वो पूरे business के लिए नहीं है. The matter of indemnification is not the same in the different forms of shirka. Indemnification का जो matter है, ये एक जैसा नहीं है तमाम forms of shirka के अंदर. In shirka al-inan, which is more relevant to us, a partner is wakil. शिरका अलनान के अंदर जो हमसे ज्यादा रेलिवेंट है पार्टनर वकील होता है, बट नॉट कफील, कफील नहीं होता. एजेंट बट नॉट इंडेमनिफायर, एजेंट है लेकिन नुकसान पूरा करने वाला नहीं है ऑफ द अदर पार्टनर. दस अ पार्टनर इज नॉट लायबल टू इंडेमनिफाई एन आउटसाइडर ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर पार्टनर फॉर अ लॉस ड्यूरिंग सच एजेंसी. तो इसलिए एक पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो किसी दूसरे पार्टनर जो कि आउटसाइडर के साथ कोई लॉस हुआ तो उसको भी पूरा करे. अल कसानी ओपाइंस दैट द मैटर ऑफ इंडेमनिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एंड रेगुलेटेड बाय यूजेज ऑर्फ ऑफ द पीपल. अल कसानी की राय के मुताबिक ये जो मैटर ऑफ इंडेमनिफिकेशन है ये बेस करता है और रेगुलेट होता है उसकी यूजेज के बेसिस पर, लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं. दिस मीन्स दैट इफ इन अ सोसाइटी सम टाइप ऑफ पार्टनरशिप हैज अ प्रिजम्प्टिव एंड पोटेंशियल कंडीशन ऑफ इंडेमनिफिकेशन एज अ कॉमन यूजेज द कंडीशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड. इसका मतलब है कि अगर सोसाइटी में कुछ टाइप ऑफ पार्टनरशिप जो है वो प्रिजम्प्टिव है और वो उसमें पोटेंशियल कंडीशंस जो है वो इंडेमनिफिकेशन की है एज अ कॉमन यूजेज, तो कंडीशन जो है वो वैलिड कंसिडर की जाएगी. तो ये ऑफ कोर्स बाजुकात सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है. पार्टनर्स ऑल्सो हैव द फॉलोइंग राइट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंडीशन टू द कॉन्ट्ररी. पार्टनर्स के ये भी राइट्स होते हैं. नंबर वन, टू इन्वेस्ट द शिरका कैपिटल इन मुदारबा. शिरका कैपिटल को मुदारबा में इन्वेस्ट किया जाए. टू मेक एनी पर्सन एन एजेंट फॉर एनी वर्क इन द मुशारका. किसी भी पर्सन को एज एन एजेंट बनाया जा सके मुशारका में काम करने का. टू कीप द प्रॉपर्टी ऑफ मुशारका विद एनी पर्सन एज अमाना और डिपॉजिट और गिव इट एज अ लोन. किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ मुशारका को किसी बंदे के पास रखना एज अमानत और उस या डिपॉजिट कराना इसको एज ए लोन. टू मोर्टगेज द प्रॉपर्टी ऑफ शिरका, प्रॉपर्टी ऑफ शिरका को मोर्टगेज करना. टू ट्रेवल फॉर द कंसर्न बिजनेस एट द एक्सपेंस ऑफ शिरका, कंसर्न बिजनेस के लिए ट्रेवल करना शिरका के बिजनेस पर, शिरका के एक्सपेंस पर. टू बिकम अ पार्टनर इन एनी अदर मुशारका ऑन बिहाफ ऑफ हिज ओन शिरका बिजनेस, अपने शिरका बिजनेस की बेसिस पर किसी और मुशारका का पार्टनर बनना. टू मिक्स द प्रॉपर्टी ऑफ मुशारका विद दैट ऑफ हिज ओन, मुशारका की प्रॉपर्टी को अपनी अपनी प्रॉपर्टी से मिक्स करना. To accept the mortgage of property of any outsider on behalf of his musharaka. किसी property को as a mortgage accept करना किसी outsider की अपने musharaka की basis पर. Depending upon consent of other partners and the urf spending any sum out of the musharaka property. दूसरे partners की consent पर urf को spend करना musharaka की property में. To purchase and sell goods necessary for the conduct of business. खरीदना और बेचना चीजों को जो कि बिजनेस की कंडक्ट के लिए जरूरी है. In all modern forms of shirka as well, the partners have equal rights. Modern forms of shirka में भी partners के equal rights हैं. As mentioned above, in a partnership concern, the partners by a mutual agreement distribute among them their responsibilities, duties and jobs. Partnership concern में partners एक mutual agreement के तहत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ड्यूटीज को और जॉब्स को. इन लिमिटेड कंपनीज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज द शेयर होल्डर्स डेलीगेट देयर पावर्स टू सम ऑफ देम टू बी कॉल्ड डायरेक्टर्स और सम सच नेम. द पार्टनर्स मे अपॉइंट अ मैनेजिंग पार्टनर बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट, एक मैनेजिंग पार्टनर भी अपॉइंट किया जा सकता है. सम ऑफ द पार्टनर्स मे डिसाइड नॉट टू वर्क फॉर द मुशारका एंड वर्क एज स्लीपिंग पार्टनर. कुछ पार्टनर्स को डिसाइड किया जा सकता है कि काम के लिए नहीं है और वो स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे. नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट इन पार्टनरशिप. ऑफ कोर्स एज द अमाउंट ऑफ द शेयर टुवर्ड्स द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय ईच पार्टनर कैन बी अनइक्वल, क्योंकि अमाउंट जो है वो अनइक्वल हो सकती है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मुफावदा ब्रीफली डिस्कस्ड इन सेक्शन दिस. द शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैन ऑल्सो बी अनइक्वल. It is however necessary that the share of all the partners should be decided without any ambiguity. ये जरूरी है
कि शेयर ऑफ तमाम पार्टनर्स जो है वो पहले से डिसाइड हो, जिसमें कोई एम्बिगुटी मौजूद ना हो. द जनरली एक्सेप्टेड व्यू विच इज बेस्ड ऑन द व्यूज ऑफ इमाम अहमद एंड इमाम अबू हनीफा इज दैट द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड इन शरिया. तो इन स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग यहीं पर डिसाइड होनी चाहिए, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड होगा शरिया के तहत. देर इज अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग ज्यूरिस्ट अबाउट अ रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टू पार्टनर्स व्हेन बोथ ऑफ देम आर ऑब्लाइज्ड टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ अ मुशारका कॉन्ट्रैक्ट. एज अ जनरल रूल द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी कमेंसरेट विद द शेयर इन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय ईच पार्टनर. गारंटी इन शिरका कॉन्ट्रैक्ट्स. All partners in shirka maintain the assets of the partnership as a trust. तमाम partners जो हैं shirka में assets को maintain करते हैं एक trust के तौर पर. Therefore, no one is liable except in cases of breach of the contract. इसे कोई भी liable नहीं है जब तक कोई breach of the contract नहीं होता, misconduct और proven negligence, कोई misconduct या फिर proven negligence नहीं होती. Negligence will be considered to have occurred in any of the following three cases. नेग्लिजेंस कंसिडर होगी अकर होते हुए इन तीन केसेस के अंदर. नंबर वन, अ पार्टनर डज नॉट अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. पार्टनर फॉलो नहीं करता टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को. अ पार्टनर वर्क्स अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द कंसर्न बिजनेस. एक पार्टनर नॉर्म्स ऑफ द बिजनेस के अगेंस्ट काम करता है. एंड द एस्टैब्लिश्ड इल इंटेंशन ऑफ अ पार्टनर, और कोई इल इंटेंशन है पार्टनर की. Hence, the profit or even capital of any partners cannot be guaranteed by the co-partners. इसलिए profit या even capital जो है partners का वो guarantee नहीं हो सकता co-partners से. However, one partner can demand from another partner to provide any surety, security or pledge to cover the cases of misconduct and negligence. जबकि एक partner जो है वो demand कर सकता है दूसरे partner को कि surety, security या pledge दे misconduct या negligences को cover करने के. Therefore, in the case of a musharaka agreement between a bank and the business community, the bank as a part of risk management and for the judicious use of funds of the depositors can obtain adequate surety from a partner against his misconduct, breach of contract and negligence, if any. Isliye, in case of musharaka agreement, bank or business community ke darmiyan, bank jo hai wo risk management ke taur par, aur कोई भी सिक्योरिटी डिमांड कर सकता है पार्टनर से जो कि उसके मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या नेग्लिजेंस अगर कोई भी हो तो उसके अगेंस्ट वो रख सके. थर्ड पार्टी गारंटी इन मुशारका. एनी थर्ड पार्टी कैन आल्सो प्रोवाइड अ गारंटी टू मेक अप द लॉस ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल और सम ऑफ द पार्टनर्स. दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशंस. नंबर वन, द थर्ड पार्टी शुड नॉट बी लीगली एंड फाइनेंशियली रिलेटेड टू द मुशारका by owning more than 50% of the capital of the guaranteed joint venture. जो तीसरी पार्टी है उसको लीगली या फाइनेंशियली मुशारका से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, जिसमें 50% से ज़्यादा उसके शेयर्स नहीं होने चाहिए. The guaranteed joint venture should not own more than half of the capital of the guarantee providing entity. जो guaranteed joint venture है उसको own नहीं करना चाहिए half of the capital से ज़्यादा. The shirka contract should not be conditional on such a guarantee. शिरका कॉन्ट्रैक्ट जो है इस गारंटी के ऊपर कंडीशनल नहीं होना चाहिए. एक सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूं. द गारंटी शुड नॉट बी प्रोवाइडेड फॉर एनी कंसीडरेशन. गारंटी किसी कंसीडरेशन के बदले में नहीं देनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स, फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिस बाय अ थर्ड पार्टी इज नॉट अ कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट इज मैच्योरिटी और टर्मिनेशन ऑफ मुशारका. मैच्योरिटी या मुशारका की टर्मिनेशन कैसे होती है. मुशारका इज बेसिकली अ नॉन बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, meaning that any partner can withdraw his share from the partnership at his will. Musharaka ek non-binding contract hai, jiska matlab hai ki koi bhi partner withdraw kar sakta hai apne share ko partnership mein se. But the partners can agree on any time frame of shirka business. Lekin ye aapas mein agree kar sakte hain time frame. A traditional shirka agreement is terminated in any of the following situations. Jo traditional shirka agreement hai wo terminate ho jata hai inme se koi bhi ek situation agar arise ho to. Number one, when the purpose of forming shirka is achieved in the case of a specific purpose musharaka. Jab shirka ko form karne ka purpose jo hai wo achieve ho jaye kisi bhi specific purpose musharaka ke andar, while the profit will be distributed according to the agreed profit distribution ratio, any loss will be borne by each partner according to the ratio of his investment. To pehli baat kya hui ki jab purpose complete ho jaye to musharaka has been terminated.
Number two, when after sufficient information or notice any partner withdraws from a partnership after giving his partners due notice to this effect, his withdrawal will not necessitate termination of the partnership between the remaining partners. Assets will be distributed pro rata among the partners with mutual consent, and then the profit, if any, will be distributed on the basis of the agreed ratio. It is preferable that assets are assessed in terms of monetary value with mutual consent. अगर कोई अपना share withdraw करना चाहता है तो multiple notices देने के बाद अपना share withdraw कर सकता है, और इसके share withdrawal से ये नहीं होगा कि partnership खत्म हो जाएगी, हाँ लेकिन profit and loss और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो उसके agreed ratio के मुताबिक distribute हो जाएंगी. When any partner dies, जब कोई मर जाता है, however his heirs can replace him with the consent of the other partners. When the whole of the Musharaka capital is exhausted or lost, agar pura Musharaka capital exhaust ho jaye ya phir khatam ho jaye. When any partner is prevented or prohibited from exercising his legal powers over his property, jab usko rok diya jaye ki wo is pe exercise nahi kar sakta. To rules relating to sharing of profit or loss in shirka, profit and loss ki sharing kaise ho sakti hai. Number one, the ratio or the basis for sharing profit should be decided at the beginning of a partnership. Shuru mein decide hona chahiye. Profit should be allocated in percentages of net earnings after deducting the operating costs and expenses, and not in a sum of money or a percentage of the capital or investment by the partners. Ye profit sharing jo hai ye percentages mein honi chahiye us net earning ki. It is not necessary that the agreement for sharing profit should be proportionate to capital contribution. Ye zaruri nahi hai ki jitna capital contribute kiya usi ki basis ke upar iski sharing hogi. A sleeping partner cannot share the profit more than the percentage of his capital. Ek sleeping partner jo hai apni percentage of capital se zyada profit share nahi kar sakta. If a partner did not stipulate that he would be a sleeping partner, he is entitled to get an additional profit share over his percentage of contribution to the capital even if he did not work. Agar pehle se stipulate kiya hua hai aur ye nahi bataya gaya ki sleeping partner hai to usse zyada bhi le sakta hai. The partners may at a larger stage agree to change the profit sharing ratio, and on the date of distribution a partner may surrender a part of his profit to another partner. Ye jo sharing hai baad mein change bhi ho sakti hai, aur distribution ki date ke upar ek partner surrender bhi kar sakta hai apna share. One partner can cap his share of profit to a certain amount of money, giving the profit over and above that cap to other partner. अगर एक पार्टनर अपना कोई कैप लगाना चाहे प्रॉफिट को कि मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगा और बाकी जो बचेगा दूसरे पार्टनर को दे दें तो किया जा सकता है. द फाइनल एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अलाउड टू बी बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हाउएवर इट इज़ परमिसेबल टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रोविजनल प्रॉफिट सब्जेक्ट टू फाइनल सेटलमेंट आफ्टर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव लिक्विडेशन. फाइनल एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो अलाउड नहीं है किसी भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर, लेकिन आप पहले से प्रोविजनल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, फाइनल सेटलमेंट बाद में हो जाती है. If the subject matter of shirka is a leased asset, the rental amount distributed to the partners should be on account, subject to settlement and reimbursement according to the final position. तो अगर ये किसी leased activity के बारे में है तो of course rental को distribute किया जाता है. It is permissible for partners to decide not to distribute a portion of profit for the purpose of creation of various reserves. Different profit sharing formulas can be agreed for different periods or the magnitude of the realized profits, provided such a formula does not lead to the likelihood of a partner being precluded from participation in profit. Profit distribution allocation should be made on the basis of actual or constructive liquidation of the venture. Receivables must be valued at the cash value, that is, after deduction for non-allowance for doubtful debts. For receivables, it is not permitted to take into account the concept of time value of money or the notion of discount of the debt amount as consideration for earlier payments. Rules relating to loss. All partners will have to share the loss in proportion to their investment. Apni investment ke mutabik loss ko share karna hoga. However, it is valid according to the WIFI standard that one partner can take responsibility for bearing the loss at the time of loss without any prior condition. लेकिन WIFI स्टैंडर्ड के तहत ये वैलिड है कि एक पार्टनर जो है वो रिस्पांसिबिलिटी ले सकता है फॉर बेरिंग द लॉस एट द टाइम ऑफ लॉस विदाउट एनी प्रायर कंडीशन, किसी भी पहले की कंडीशन से पहले. तो मेरा ख्याल है आज यहाँ तक ही इसको रखते हैं. उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा. तो लेक्चर एंड करने से पहले लेट्स हैव अ समरी व्हाट एवर वी डिस्कस टुडे. हम लोगों ने सिक्योरिटाइजेशन एंड सुकूक के ऊपर बात शुरू की आज, जिसमें पोटेंशियल ऑफ सुकूक इन फंड मैनेजमेंट एंड डेवलपिंग द इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स के ऊपर बात की. फिर इस चैप्टर को समराइज किया और उसको कंक्लूड किया. देन वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर विच इज़ शिरका,
इसकी लीगैलिटी फॉर्म्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर बात की, और फिर हमने बेसिक रूल्स ऑफ मुशारका के ऊपर बात की। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा। तो इस उम्मीद के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि अगर जिंदगी रही तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।